जय जोहार, स्वागत है अपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। खबर छत्तीसा में आगू बाढ़वो और बात करबो बलौदा बाजार जिला के। नगर पंचायत भट गांव में किसान मन रोका छेक अभियान के संगे संग और अन्य मुद्दा ल लेके बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन करीन। दरअसल आज से दो दिन पहले भट गांव के किसान समेत आमजन मिल के आवारा पशु मन के संग नगर पंचायत अधिकारी के खिलाफ जम के नाराबाजी करत गौठान निर्माण समेत नगर में घुमैया आवारा पशु के रख रखाव के व्यवस्था करे के मांग करे रहीन, जेमा नगर पंचायत अधिकारी के उपस्थिति नहीं होए के कारण भटगांव तहसीलदार लग ज्ञापन सौंपे रहीन और दो दिन के भीतर निराकरण के मांग करीन। फिर दो दिन बीत जाए के बाद भी अधिकारी मन के द्वारा आवारा पशु मन के रख रखाव बर कोनो प्रकार के कोई व्यवस्था नहीं करी गई, जेकर बाद गुस्साए किसान मन नगर के बस स्टैंड में गाय गरुआ मन के संग जोरदार प्रदर्शन करीन, जेकर कारण मुख्य सड़क में घंटा भर आवागमन बंद हो गई। पिछले 3-4 साल से कि जो आवारा पशु लोग हमारे किसानों के द्वारा इतना मेहनत से खून पसीने से जो फसल उपजाया जाता है आवारा मवेशियों द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है, किसानों को भारी नुकसान होता है। तो हम लोग तो यही चाह रहे हैं पिछले 3 साल से कि आवारा पशुओं का प्रबंधन नगर पंचायत द्वारा किया जाए और पशु हमारे फसल को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचाए। इसीलिए हम लोग 2 दिन पहले भी नगर पंचायत अधिकारी पास गए थे, उस दिन उसके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। हमारे द्वारा 2 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, उसी तारतम्य में आज पूरे भटगांव के किसानगण और सभी जनमान्य नागरिकों द्वारा जो आवारा पशु घूम रहे थे खेतों में उनको इकट्ठा करके उनको लेकर के नगर पंचायत के सामने में धरना दिया। सीएमओ के कर्मचारियों के द्वारा सीएमओ से चर्चा उपरांत उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अभी अस्थायी रूप से मंडी में रखे जाने के लिए सीएमओ के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, ऐसा नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा मेरे सामने में किसानों को आश्वासन दिया। हमारे पास न कांजी हाउस है नगर पंचायत में और न ही गोठान है, हमने दोनों के लिए जमीन की मांग की है और दोनों अभी विचाराधीन है राजस्व विभाग में। सर अभी वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था क्या रखा गया है हमें इसको रखने के लिए? वैकल्पिक व्यवस्था अगर किसान इसमें सहयोग करें तो विगत 2 वर्षों से हम किसानों के सहयोग से मवेशियों को रखते आ रहे थे, किसान अगर सहयोग करें तो उनके सहयोग से हम भी मदद करेंगे।